हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम है पैडी और मेरा नाम है प्रतीक्षा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना तारिक जमील जी का बयान है, क्या रमज़ान में मरने वाला जन्नती है। मतलब अभी रमज़ान का महीना चालू है तो उसमें मरने वाला जन्नत में जाता है क्या, यही आज का वीडियो है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो देखते हैं। रमजान की, जो रमजान में मरता है उसका हिसाब कोई नहीं। उसका हिसाब चल भाई छुट्टी कर। एक आदमी कहने लगा, तो क्या रमजान के बाद फिर शुरू होता है? मैंने कहा, अल्लाह जैसा करीम शहनशाह वो ऐसा नहीं है कि एक दफा माफ कर गया कि चलो हम दोबारा आ जाए। जब वो एक दफा उसने छोड़ दिया, अब दोबारा वो उसके खाता नहीं खोलेगा कि चल आ मैं हूँ, रमजान गुजर गया चल कन्ना बोले। वो जिसको रमजान में मौत दे रहा है वो कोई उसकी नेकी उसने पसंद की है। और नूरजहां मरहूम, जब 27 रमजान को उसकी मौत आई, मेरा रब कहता है मैं शिर्क को माफ नहीं करूँ, बाकी जिसे चाहूँ माफ करूँ। मैं उसकी सफाई नहीं पेश करता हूँ कि वो उसने अच्छी जिंदगी गुजार, अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी, लेकिन मैं अल्लाह की रहमत को बयान करता हूँ कि जो हम अपने आप को सिर्फ जन्नत ही समझते हैं, बाकी सारे जहन्नम में सिर्फ मैं ही जन्नत है जामना और क्या नहीं जामना। लोग कहने का, लो जी वो नूर जहाँ रमजान में मर गई, 27 रमजान को मर गई। मैं कहूँ अल्लाह से मुकदमा कर दो भाई, ये तू की थी? अरे बेवकूफो, मेरा अल्लाह कह रहा है मैं शिर्क माफ नहीं करूंगा, बाकी जिसे चाहूँ माफ करूँ। अल्लाह की कसम, उसका माफ करना भी हक है, उसका पकड़ना भी हक है, उसका देना भी हक है, उसका लेना भी हक है, उसका मारना भी हक है, उसका जिलाना भी हक है, उसका उठाना भी हक है, उसका गिराना भी हक है, उसकी इज्जत देना भी हक है, जलील करना भी हक है, बीमार करना भी हक है, सेहत देना भी हक है, फतह देना भी हक है, शिकस्त देना भी हक है, बुलंद करना भी हक है और पस्त करना भी हक है, उसका नाम भी हक है, उसकी शरीयत हक है, उसकी जन्नत हक है, उसकी वही हक है, उसका महबूब हक है, उसके सिवा हक है कहाँ? हो जाए माफ। नूरजहां का जुर्म तो थोड़ा था, गाती रही वो जो 100 आदमियों को कत्ल करने वालों को लेने के जा मैंने माफ। बुखारी शरीफ की रिवायत, 100 आदमियों का कातिल कर जाओ माफ। तो एक रमजान की अल्लाह ने दौलत ये रखी है कि इसमें मरने वाले की अल्लाह ताला कब्र का हिसाब को नहीं देता, अगले हिसाब ये अल्लाह माफ ही कर देगा इंशाल्लाह। तो भाइयों, रमजान की तैयारी में है चंद चीजें जो रमजान की रहमत को रोक लेती हैं। एक शराब की आदत रमजान की रहमतों को रोक देगी, एक माँ बाप की नाफरमानी रमजान की रहमतों को रोक देगी, एक रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े ये रमजान की रहमतों को रोक देगी, एक दिल में नफरत पालना किसी की ये रमजान की रहमत को रोक देगी। इतना रोकेगी कि लैलतुल कद्र में सारी दुनिया के मुसलमानों के अल्लाह बख्शिश फरमाते हैं, लेकिन ऐलान करते हैं शराब पीने वाला माफ नहीं होगा जब तक तौबा ना करे, माँ बाप का ना फरमान माफ नहीं होगा जब तक तौबा ना करे, रिश्तेदारों से लड़ने वाला माफ नहीं होगा जब तक उनसे सुलह ना करे, दिल में नफरत रखने वाला माफ नहीं होगा जब तक वो अपनी नफरत को साफ करे, दिल को साफ ना करे। ये रमजान की तैयारी के लिए मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन शायद आज तरावी हो या कल हो तो ज़रूरी समझ के भाइयों आपसे बात कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे भी होश और सलामती दे, मैं भी इन चीज़ों में हमेशा अपने आप को शामिल करके आपसे बात किया करता हूँ। तो रमजान जैसे हज पे लोग जाते हैं तो माफ़ियाँ मांगते हैं, भाई माफ़ करी मैं हज ते जा रही हूँ, उससे ज़्यादा ज़रूरी है रमज़ान। जितने फ़ज़ाइल रमज़ान के हैं उतने हज के नहीं हैं, जितने फ़ज़ाइल रमज़ान के हैं उतने हज के नहीं हैं। लोग हज पे जाने से पहले माफ़ी मांगते हैं, अरे मेरे भाइयों रमज़ान आने से पहले अगर
मैं और आप किसी से लड़े हुए हैं, अल्लाह के वास्ते सुलह कर लें। खासतौर पर करीबी रिश्ता है, सुलह कर लें। खासतौर पर वालदैन बीवी है, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, सुलह कर लें। मेरे रब की बारगाह में रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक ये इतना बड़ा अमल है कि एक हदीस से आता है कि मैं तुम्हें नफल नमाज, रोज़ा, हज से बड़ा अमल बताऊं। नफली नमाज, नफली रोज़ा, नफली सदका, नफली हज, अला उम्बेकुम बे अफ़ल मिन अस्सलात वस्सियाम वल हज। मैं तुम्हें नफली रोज़े, नफली नमाज, नफली हज से बड़ा अमल बताऊं। कहा जी बताइए या रसूलल्लाह। कहा आपस में सुलह सफाई से रहें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, लड़े हुओं में सुलह कराना। ये अल्लाह को नफली, कितने लोग हैं मुसल्ला नहीं छोड़ते लेकिन सलाम करके राजी नहीं। गर्मी के रोजे, जुमरात के पीर का रोजा भी नहीं छोड़ते लेकिन रिश्तेदारों से लड़ाइयां पाली हुई हैं। मेरे भाइयों, मेरे अल्लाह को हमारी बंदगी की जरूरत कोई नहीं है, वो हमें अच्छा इंसान देखना चाहता है। अच्छे इंसान में बंदगी का एक बहुत बड़ा अमल है और उससे बड़ा अमल है लोगों से प्यार मोहब्बत से रहे। फराइज की तो बात अलग है, फराइज तो फराइज है, उसको कोई चीज नहीं पहुंच सकती। नमाज नहीं पढ़ता और सबसे हुस्न सलूक कर रहा है तो ये भी कोई अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं है। तो एक 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 एतदाल की बैलेंस लाइफ अल्लाह ने हमें बताई है भाई। और रमजान की आमद है तो अल्लाह के वास्ते माँ बाप को राजी कर लें। अगर जिंदा हैं, नाराज चले गए तो उनकी उन पर पढ़ पढ़ के इतना करो कि उनकी खुशियां तो में उनकी रूहों से मिलना शुरू हो जाएं। और लड़ाई है तो सुलह फरमा लें। मेरे नबी ने फरमाया ओहो मेरी माँ होती, मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और मेरे घर से आवाज़ आती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ देती, फर्ज नमाज का मैं नमाज तोड़ देती। और जब आखिरी रात होती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदों के दिन के रोज़े और रात की नमाज पर मैंने सब की बख्शिश फरमा दी। इन तलकू मगफूर लकुम, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम्हारे सब अल्लाह ताला ने बख्श दिए। ये रमज़ान की बरकत से अल्लाह ने इस उम्मत को ये दौलत नसीब फरमाई। जो पहले उम्मतों को ये दौलत नसीब नहीं थी, उनका रोज़ा भी मुश्किल था और उनका अजर भी ऐसा नहीं था कि जन्नत मुज़य्यन की जा रही हो और मखलूक दुआ कर रही हो और शैतान कैद हो जाएं और जन्नत के दरवाजे खुल जाएं और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाएं और अल्लाह ताला रोज़ाना जन्नत को तैयार करे कि मेरे बंदे आ रहे हैं, तू तैयार हो जा, मेरे बंदे आ रहे हैं। ये इस उम्मत के लिए ये दौलत रखी गई। और अल्लाह को हमारी भूख प्यासनी चाहिए, ये हर अमल हमारे फ़ायदे के लिए, हर अमल हमारे फ़ायदे के लिए। और अल्लाह ताला ने इस रोज़े को अजीब तरह इसकी फजीलत बयान की है। नमाज का बदला जन्नत, हज का बदला जन्नत, ज़कात का बदला जन्नत, जिक्र का बदला जन्नत, तिलावत का बदला जन्नत, तबलीग का बदला जन्नत, तहज्जुद का बदला जन्नत, सिला रहमी का बदला जन्नत, सखावत का बदला जन्नत, माफ़ करने का बदला जन्नत, तवाज़ो का बदला जन्नत, झुक जाने का बदला जन्नत, मोहब्बत का बदला जन्नत, ईसार का बदला जन्नत, कुर्बानी का बदला जन्नत, कुरान की तिलावत का बदला जन्नत, तन्हाई में जिक्र का बदला जन्नत, सारे आमाल का बदला जन्नत, और रोज़ा। अल्लाह ने कहा रोज़े का बदला तुम्हारा रब खुद है, तुम्हें अल्लाह मिलेगा। जब अल्लाह मिलेगा तो सब कुछ। हारून की एक बांदी थी, उसका नाम था खालिसा, जरा सांवली सी थी। हारून की 3,000 बांदियां थी, एक से एक बढ़कर हसीन थी।
वो खालिसा को जरा तरजीह प्रोटोकॉल देता था। तो बाकी हैरान होते थे कि ये एवं भैड़ी जी नु किवें एडा सिर ते चाड़ी वदा। तो एक दिन दरबार था तो हारून ने कहा जो जिस पे हाथ रखेगा उसकी। तो लोग भागे दौड़े कोई उधर कोई उधर कोई उधर को है मेरी है मेरी है मेरी है मेरी। वो खालिसा खड़ी रही तो हारून ने कहा तूने कोई नहीं पसंद किया। कहने लगी मुझे जमानत चाहिए, जिसे पसंद करूं वो फिर मेरा ही हो। हाँ हाँ हमने ऐलान कर दिया है। तो उसने जाके हारून के कंधे पे हाथ रख दिया। उन्होंने कहा तू लभ गया था हर शह लभ गए थे कमले आन कोई इधे बजे कोई इधे बजे जिन तू लभ हर शह लभ गई। तो मैं अल्लाह पे कुर्बान जाऊँगा तो तुम रोजा रखो मैं तुम्हें मिल जाऊँगा मैं मिल जाऊँगा। अगर अल्लाह मिल गया तो पीछे क्या रह गया। इन वजत नहीं वजत कुल्ल शय इन फुतनी फातक कुल्ल शय वअना खैरुल लक मिन कुल्ल शय। मेरा बंदा मेरी तलब में आ मैं मिलूंगा तुझे सब मिलेगा। मैं ना मिला कुछ ना कुछ ना। अल्लाह को पाके अल्लाह की कसम कुछ नहीं खोया और अल्लाह को खो के अल्लाह की कसम कुछ नहीं पाया। सारी धरती सोने चांदी की बन जाए और तुम्हारे सामने गुलाम होकर कदमों में आ पड़े और अल्लाह तुमसे दूर हो गया तो कुछ नहीं पाया। अल्लाह हमें आजमाइश से बचाए आफियत से अपने अपना साथ नसीब फरमाए। मिसाल की बात कर रहा हूं सब कुछ खो दिया सब कुछ खो दिया। और अल्लाह को पा लिया तो अल्लाह की कसम को घाटे का सौदा। मेरे नबी के नवासे ने अपना सब कुछ खो दिया जान माल औलाद नेजों पे सर चढ़ गया। कभी किसी ने यजीद को शाबाश दी शमर को शाबाश दी। सब कुछ खोया पर अल्लाह को पाया। आज तक उन्हीं के सर पे इज्जत का ताज है। उनके कत्ल उनको शहीद करने वालों ने दुनिया का सब कुछ पा लिया अल्लाह को खोया। आज तक जमीन आसमान की लानत कब्रों पर भी बरस रही। रोजे का बदला अल्लाह खुद है भाइयों। एक रोजे का इंतमाम फरमाएं एक तरावी का इंतमाम। आप दो रकात भी पढ़ के चले जाएं उसकी कीमत है। लेकिन ये एक महीना अपने दुनिया के काम थोड़े कर लें अपनी मशक्कत को थोड़ा कर लें अपने मुलाजमों का काम भी थोड़ा कर लें अपने कारोबार को ज़रा समेट लें अपनी दुकानों के औकात को ज़रा समेट लें। भाई ये महीना तो हमें अपनी आखिरत को बनाना है। अपने नौकरों को मजदूरों को भी सहूलत दो अपने आप को भी सहूलत दें और इसमें अपने अल्लाह को मना लें जहन्नम की आग को ठंडा कर लें कि इससे खूबसूरत और कोई चीज़ नहीं। तो वाकई में काफ़ी अच्छा बयान था और बहुत इंटरेस्टिंग बयान था मौलाना तारिक जमील जी के। हमने बहुत सारे वीडियो किए आप हमारे चैनल पर चेकआउट कीजिए। और आज की वीडियो था कि जो रमज़ान में लोग मरते हैं क्या वो जन्नत में जाएंगे। तो सच में क्योंकि रमज़ान एक बहुत ही पवित्र महीना है और इसमें मुसलमान भाई रोज़ा रखते हैं और नमाज़ भी पढ़ते हैं कुरान भी पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन्होंने बताया कि जैसे अच्छे काम करने से ही जन्नत में जाता है हर आदमी। लेकिन जो माँ बाप की सेवा करना हो या नमाज हर रोज़ दिन में 5 बार नमाज पढ़नी हो रोज़े करने हो हज करना हो और शराब नहीं पीना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और भाई भाई झगड़ा नहीं करना चाहिए ऐसा जो उन्होंने बताया वो सब है। क्योंकि वो सब अल्लाह सब देख रहा है हमारे कर्म। इसलिए हम सबको अपने अपने कर्म अच्छे से करते रहना चाहिए बुरे कर्म नहीं करना चाहिए तभी हम जन्नत में जा सकते हैं। और इस वीडियो से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और रमज़ान में हमारे भाई बहन जो मुसलमान भाई बहन है वो रोज़ा रखते हैं
और बहुत सारा नमाज और कुरान भी पढ़ते हैं रोज़ थोड़ा थोड़ा करके। और इसलिए हर आदमी रात को जब उनका सब मिलकर खाते हैं, क्योंकि दिन भर भूखे रहते हैं इसलिए। तो वो काफ़ी अच्छा वीडियो था, वो भी हमने एक वीडियो किया था रमशा सुल्तान का कि रमज़ान क्या होता है। उससे हमें काफ़ी कुछ मालूम पड़ा है कि रमज़ान आखिर क्या होता है, मतलब इस एक महीने में आप लोग क्या करते हो। तो वाकई में ये वीडियो बहुत अच्छा था, आपको कैसा लगा बताइए। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।